आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो गुडविल से ही है, और ये क्वेश्चन है तारंग ने क्या करा है, परचेज करा है एक बिजनेस जो कि किसका है, ज्योति का। तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हमें गिवन है, वो हमें यहाँ पे एडजस्ट करके हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे सिंपल सिंपल प्रॉफिट है हमारे पास, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, हमारे आफ्टर एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट आएंगे उनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट कितना है, 1, 2, 3, तो डिवाइड बाय 3। तो जैसे हम ये करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है 2 ईयर। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो इस एडजस्टमेंट है वो उन्हें कैसे कैसे एडजस्ट करना है, किसे प्लस करें किसे माइनस करें। तो स्क्रीन पे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ क्या चीज़ हम ऐड करते हैं, क्या चीज़ लेस करते हैं। तो जो ऐड और लेस की लेस है ये आप अपने पास नोट कर लीजिए, फिर हम ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। चलिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है हमारे लिए 2021 में वो क्या गिवन है, कह रहे हैं भाई इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 12,500। तो एबनॉर्मल गेन क्या है, लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चेक कर लोगे, अगर आपने ये लिख लिए होंगे लिस्ट तो आप देखोगे एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे वाले हैं, 1 लाख में से 1 लाख में से कितनी माइनस करने वाले हैं, 12,500 माइनस करने वाले हैं, जिसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम इसे माइनस करेंगे 1 लाख में से तो हमारे पास बचेगा 87,500 रुपीज। तो ये हमारा क्या बचा, पहले 2021 का एक्चुअल प्रॉफिट बचा। अब इसी तरह से हम अगले साल का करेंगे, जहां पे क्या है हमारे पास बताया है 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। तो और इसके बाद कह रहे हैं 25,000। तो जो एबनॉर्मल लॉस हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 25,000 का। तो एबनॉर्मल लॉस को लिस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बस ठीक है, हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हम इसे ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं इस बार, इसे नॉर्मली लिख रहे हैं। तो 1,25,000 प्लस 25,000, ये हो गया हमारा कितना, 1,50,000, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जिसमें कहा गया है कि 1,12,500 एक्सक्लूडिंग द 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर आप लिस्ट को चेक करेंगे फिर से, तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम डेप्रिसिएशन जैसी चीजें आपको दिखेगा कि भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 12,500 को माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर लिया, एक्चुअल प्रॉफिट हम लिख चुके हैं, अब हमें क्या लिखने की जरूरत है, अब हमें लिखने की जरूरत है हमें एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट लिखेंगे, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट जो कि कितना कितना है, 87,500, जिसमें प्लस करेंगे हम यहाँ पे 1,50,000 को, ठीक है। 1,50,000 हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे 1 लाख भी ऐड करने वाले हैं, 1 लाख, ठीक है, जिनको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3। तो जैसे हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो पहले हमारे पास इनका टोटल आएगा जो कि कितना आएगा, 3,37,500, ठीक है। ये कितना आएगा, 3,37,500, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1,12,500 रुपए, ठीक है, 1,12,500 रुपए बचेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। जब एवरेज प्रॉफिट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट तो आ चुका है हमारे पास जो कि है 1,12,500 रुपए, जिसको मल्टीप्लाई करना है विद 2, तो हमारे पास एक आंसर आएगा गुडविल का, तो वो कितना होगा हमारे पास, 2,25,000 रुपए। तो ये आ गया हमारा गुडविल का आंसर। ये क्वेश्चन इतना इजी है, इस तरह से होना है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो जो लिस्ट है एडलेस की वो अपने पास नोट करें, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें तो आपको ध्यान में रहेगा वो किस वजह से ऐसा है। आप उसको अगर उसकी जानकारी चाहिए कि हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों लेस कर रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं yugsharma.com, वहाँ पे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप उसमें एनरोल हो जाइए, पेड है और आपको उसमें सीखने के लिए मिलेगा चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, हर इकोनॉमिक्स में भी और मैक आपका अकाउंटेंसी में भी, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। चलिए फिर मिलेंगे हम किसी और क्वेश्चन में।